नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मुकाबलों का टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 फरवरी से खेला जाएगा। बता दें कि इस मुकाबले में दोनों टीमों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच भिड़ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से होगी। वहीं इस मैच में भारत की कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस संभालेंगे। तो आइए जानते हैं कैसी है दिल्ली की पिच। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए एक बेहतरीन पिच मानी जाती है। यहां पर हमें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में अच्छा टोटल देखने को मिला है। खास रूप से स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड भी बल्लेबाजों को बहुत मदद करती हुई नजर आती है। कुल मिलाकर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं कि यहाँ पर गेंदबाजों को सपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज अच्छी तरह से गेंदबाजी करने में कामयाब रहते हैं। आइए जानते हैं कुछ मैच डिटेल्स। मुकाबला होगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट 17 फरवरी से 21 फरवरी तक सुबह 9:30 बजे तक। लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे। टीम इंडिया के आइए जानते हैं दोनों के भारत का स्क्वाड क्या होगा। भारत का स्क्वाड है रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, केएस भरत, ईशान किशन, आर अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकट, सूर्य कुमार यादव। ऑस्ट्रेलिया टीम पैट कमिंस, एस्टन एगर, स्कॉट बॉलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, जोस हेजलवुड, पीटर हैंडसकॉम, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मानस लाबुसाने, नाथन लियोन, लांस मॉरिस, डोड मर्फी, मैथ्यू रोनासा, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वेस्पसन, डेविन वार्नर। आपको बता दूं कि दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम की पिच ट्रैक पर बहुत कम उछाल है। यही वजह है कि खेल आगे बढ़ने के साथ ही बल्लेबाजों को अच्छे शॉट खेलने में मुश्किल जरूर होगी। इस पिच में पहली पारी का औसत स्कोर 342 रन रहा है, जबकि चौथी पारी का स्कोर 165 रहा है। मतलब टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करना पसंद करेगी। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।